चलिए भाई केस नंबर वन देखते हैं हम लोग। केस नंबर वन क्या था कि ये जो एफ टी है वो किसके लाइन पे है, आपका जो फलक्रम ओ है इसी के लाइन पे है, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स पासेस थ्रू द फलक्रम ओ, ठीक है ना। ये जो टेंजेंशियल फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन किससे पास कर रहा है, इस ओ पॉइंट पे, ये जो फलक्रम का पॉइंट ओ है इसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो पास कर रहा है। तीन केस आपको दिखाया था अभी, ठीक है। पासेस ऑफ ओ, पासेस थ्रू द फलक्रम ओ ऑफ द लिवर एंड द ब्रेक विल रोटेट क्लॉकवाइज। तो अभी की हम लोग डायरेक्शन कौन सा लेके चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अभी हम लोग को डायरेक्शन कौन सा लेके चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो चलो अब इसका हम लोग निकाल के देखते हैं ब्रेकिंग टॉर्क कितना होगा, ठीक है। क्या निकालना है हमें, ब्रेकिंग टॉर्क। तो ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है तो पहले आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आता है ब्रेक का, कुछ नहीं होता है। आप लोग को पता है एफ टी क्या होता है, एफ टी क्या होता था, एफ टी आर एन इंटू, एफ टी क्या था आपका, आर एन इंटू म्यू। और ब्रेकिंग टॉर्क क्या था, जिसको हम लोग बी और टी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता था, ये जो एफ टी इंटू ये जो रेडियस आर था, ठीक है। तो यही आपका ब्रेकिंग टॉर्क निकालने को आता है, ठीक है। तो चलो अब देखो इस आर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो आर एन क्या करोगे, आपको मोमेंट लेना पड़ेगा। तो देखो मोमेंट लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट के फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट क्या करता हूँ, मोमेंट लेता हूँ, टेकिंग मोमेंट अबाउट फलक्रम ओ, ठीक है। तो चलो देखते हैं लेके, तो देखो फर्स्ट इस पी के लिए निकालो, तो पी पहले देखो, पी देखो फोर्स इस डायरेक्शन में है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना होगा, पी इंटू एल, तो यहाँ से पी इंटू एल इक्वल टू, अब देखो अब इस डायरेक्शन में और कोई फोर्स है, देखो कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। और फोर्स है भी तो कौन सा फोर्स है, तो देखो इसका डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में है, और इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर डायरेक्शन में। तो हमने जो कंसीडर किया है कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा उसको क्या लेके चल रहे हैं, नेगेटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव उल्टा भी ले सकते हो आपकी स्वेच्छा के अनुसार, या तो आप नीचे वाले को नेगेटिव ले लो, ऊपर वाले को क्या लग सकते हो, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो इस डायरेक्शन में एक फोर्स दिखा, और भी एक और दिख रहा है, किस डायरेक्शन में दिख रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि इसके अपोजिट। तो अपोजिट दिख रहा है तो देखो प्लस माइनस है, या तो उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या ले लिया, इक्वल ले लिया, या फिर चलो इक्वल नहीं लेते, क्या लेके चलते हैं, देखो नीचे की ओर डायरेक्शन क्या है, P इंटू एल, पॉजिटिव लेके चलो, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में ऊपर लग रहा है, क्या लग रहा है, आर एन, और डिस्टेंस कितना है, x, तो माइनस आर एन इंटू एक्स। और कोई फोर्स है क्या, इधर एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, बस दो ही फोर्स था, तो इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ से अगर लिखने जाओ तो क्या हो जाएगा, P इंटू एल, इसको उस साइड भेजो, तो आर एन इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकाल लो, आर एन की, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़रूरत है आर एन एफ टी निकालने के लिए। तो आर एन कितना हो जाएगा, आर एन हो जाएगा आपका पी एल, पी इंटू एल अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर मैं एफ टी निकाल लूँ, इस सेंस एफ टी इक्वल टू कितना होता है, आर एन इंटू म्यू, आर एन इंटू म्यू, ठीक है। तो आर एन की वैल्यू आपके पास कितना है, P इंटू एल अपॉन एक्स इंटू म्यू, ठीक है। यहाँ तक ठीक हो गया, एफ टी निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग ब्रेकिंग टॉर्क। तो यहाँ से ब्रेकिंग टॉर्क इक्वल टू देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ब्रेकिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, देखिए ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है, एफ टी इंटू आर। तो यहाँ से एफ टी की वैल्यू कितनी है, ये है, पहले लिख लो एफ टी इंटू आर। तो एफ टी की वैल्यू ये पूरा है, तो कितना हो जाएगा, पी इंटू एल इंटू म्यू अपॉन एक्स, और नीचे इंटू में क्या आ जाएगा, आर, क्लियर। तो ये आ गया आपका ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक। इसको एक बार यहाँ से भी लिख लो, तो ब्रेकिंग टॉर्क इक्वल टू आ रहा है आपका कितना, पी इंटू एल इंटू म्यू इंटू आर अपॉन में एक्स। कि अब जब ये किस डायरेक्शन में हो, किस डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। तो ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू कितना आ रहा है, पी एल म्यू आर अपॉन एक्स, ठीक है। अगर यही मान के चलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए, तो
एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो एक बार यहां से देख लेते हैं हम लोग। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो एफटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो इस डायरेक्शन में घूमेगा तो एफटी का डायरेक्शन इधर। तो देखो इस केस में एफटी से तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसमें मोमेंट आप नहीं ले सकते। अगर मोमेंट लोगे एफटी तो एफटी इंटू डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो। तो इसके लिए ब्रेकिंग टॉर्क भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो ब्रेकिंग टॉर्क कितना हो गया इसके लिए, पी एल म्यू आर अपॉन एक्स, तो सेम एज द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस वन। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग देखते हैं केस टू। अब हम लोग केस नंबर टू डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसमें अब देखिए क्या है केस नंबर टू में, कि जो आपका टेंजेंशियल फोर्स का जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है और इस फलक्रम जो ओ पॉइंट है वो डिस्टेंस पे है, कुछ डिस्टेंस पे है, जो कि डिस्टेंस कितने पे है, ए डिस्टेंस पे है। देखिए ये जो एफ टी का डायरेक्शन है, ये मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन है ये है, और ये पॉइंट ओ का जो फलक्रम का डिस्टेंस है कुछ नीचे है। ठीक है ना, कितना डिस्टेंस पे है, ए पे है। तो अब यहाँ पे मोमेंट आएगा, एफ टी का क्या आएगा, मोमेंट आएगा। क्लियर है ना, क्योंकि आपको दिख गया अगर मोमेंट अबाउट ओ ले रहे हो तो आपको यहाँ एफ टी का अब डिस्टेंस मिल रहा है परपेंडिकुलर। देखिए फोर्स का डायरेक्शन ये है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितना, परपेंडिकुलर कितना हो गया डिस्टेंस ए है। तो अब आपको कंसीडर करना है एफ टी। क्लियर, चलो तो इसमें आपको साइन कन्वेंशन की और अच्छे तरीके से जरूरत पड़ेगा। तो देखो एक मैंने साइन कन्वेंशन लेके रख दिया यहाँ पे। ठीक है, जो कि देखिए फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहेगा तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसका रिवर्स भी ले सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन लिया है वो बता रहा हूँ, जैसे आपने थे सोम में पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग ये चीज़ क्लियर होगा कैसे मोमेंट निकालते हैं। क्लियर, तो यही चीज़ है। चलिए देखिए हमने साइन कन्वेंशन जो लिया है, जो अपर होगा उसको पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड होगा उसको नेगेटिव, और जो इस डायरेक्शन में होगा ठीक है उसको पॉजिटिव, जो इधर होगा डायरेक्शन में उसको नेगेटिव। ठीक है, तो ये हम लोग साइन कन्वेंशन लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस केस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए तो देखो क्या है यहाँ पे, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स एफ टी पासेस थ्रू अ डिस्टेंस ए, ठीक है ना, डिस्टेंस ए बिलो द फलक्रम ओ, ठीक है ना, ए फलक्रम ओ से कितना बिलो है, ए बिलो है। ठीक है, एंड ब्रेक विल रोटेट क्लॉकवाइज। देखो अब इसमें डिफरेंस भी आएगा, ठीक है ना, अब आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर इस डायरेक्शन में ले रहे थे तो आपको पॉजिटिव, अब इधर लोगे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ब्रेकिंग व्हील कितना है, रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और क्या है आपका, ये आपका डिस्टेंस ए है। तो चलो फिर से वही चीज, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है ना, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट हम लोग क्या कर रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं। तो देखो अब देखो पहले ऊपर वाले फोर्स को देख ले, ऊपर वाला कितना है आर एन, ठीक है, और ये डिस्टेंस आप लोगों को पता था यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका एक्स डिस्टेंस, और टोटल कितना है आपका एल है, टोटल कितना है एल है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, एक्स था। तो देखो अपर डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो चलो अपर वाला देख लेते हैं, अपर कौन सा है, ये है आपका, तो कितना आर एन इंटू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा आर एन इंटू एक्स। क्लियर है, और कोई पॉजिटिव और किस डायरेक्शन में, इधर में है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो इधर और कौन फोर्स लग रहा है, एफ टी लग रहा है, तो एफ टी इंटू ए प्लस एफ टी इंटू ए, ठीक है, ये हो गया एफ टी इंटू ए, और क्या है, अब कोई तो है नहीं। ठीक है, अब उधर वाला देखते हैं हम लोग, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ये है आपका P इंटू एल। तो देखो अब इसको मैं इक्वल करके लिख देता हूँ, क्योंकि इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर, तो कितना हो जाएगा P इंटू एल, और कुछ है, तीन ही फोर्स है आपके पास, एफ टी है, आर एन है और P है, तीनों का काम हो गया इधर। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो आर एन आपको फाइंड आउट करना है, तो आर एन इंटू एक्स, और आपको पता है एफ टी को क्या लिखते थे आप, एफ टी क्या होता है, आर एन इंटू म्यू, आर एन इंटू म्यू इंटू
ए इक्वल टू पी एल, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, आर एन कॉमन ले लो, तो आर एन आ गया कॉमन। यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस म्यू इंटू ए इक्वल टू पी एल, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से आर एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आर एन कितना हो गया, पी एल अपॉन एक्स प्लस म्यू इंटू ए, म्यू इंटू ए, ये आ गया आपका आर एन की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर है। अब क्या निकालना है आपको, एफ टी, तो एफ टी क्या होता है आपका, एफ टी आपको पता है, एफ टी क्या होता है, आर एन इंटू म्यू, ठीक है। तो आर एन की वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये है आपका पी एल अपॉन में एक्स प्लस म्यू इंटू ए, और यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू। तो देखो ये आ गया आपका एफ टी की वैल्यू, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग टॉर्क की, तो यहाँ पे देख लो ब्रेकिंग टॉर्क बी टी, या फिर लिख लो ब्रेकिंग टॉर्क इक्वल टू ब्रेकिंग टॉर्क बी टी इक्वल टू क्या था आपका, एफ टी इंटू जो डिस्टेंस आपका ये है आर, एफ टी इंटू आर, ठीक है। एफ टी की वैल्यू कितना है आपका, ये है पी एल म्यू अपॉन एक्स प्लस म्यू इंटू ए, ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा आर। तो ये हो गया बी टी, यानी कि ब्रेकिंग टॉर्क भी निकाल लिया, एफ टी भी निकाल लिया, और आप लोग आर एन भी फाइंड आउट के लिए। और ये किसके लिए है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, क्लॉकवाइज के लिए, क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए निकल गया। अब इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर आपको बताता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, हो गया होगा। चलो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इसको मिटा रहा हूँ अब इतना दूर, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, सेम चीज़ रहेगा यहाँ पे। अब क्या लिख दूँ मैं इसको, इन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है ना। अब कैसा रोटेट कर रहा है, एंड ब्रेक विल रोटेट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये जो एफ टी का डायरेक्शन इधर है, तो अब किधर हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन आपको घूमेगा इधर से, इस साइड से, है ना, ये क्लॉक वाइज था, अब एंटी क्लॉक वाइज इधर, देखो ये एंटी क्लॉक वाइज इधर, तो एफ टी किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ आ गया आपका एफ टी, ठीक है, ये हो गया आपका एफ टी, क्लियर है। चलो बाकी चीज़ सेम, साइन कन्वेंशन भी वही लेके चल रहे हैं हम लोग, वही लेना ही है। चलो फिर से वही चीज, टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ, ठीक है ना, मोमेंट अबाउट ओ, ओ पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या ले रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे, फिर से वही चीज़, आर एन इंटू एक्स, आर एन इंटू एक्स। अब चीज़ देखो, अब देखो एफ टी का जो डायरेक्शन है इस साइड वाला, इधर अब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, उस टाइम क्या था, इसको हमने ऐड किया था, तो देखो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, क्लियर है। तो हमने, आप उधर लिखो इसको, ठीक है, एफ टी का डायरेक्शन इधर है, तो इधर वाले को हम लोग क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, तो एफ टी इंटू इक्वल टू लिख दिया मैंने यहाँ पे, नेगेटिव है तो एफ टी इंटू ए, एफ टी इंटू ए प्लस, देखो इस साइड आया तो सारा प्लस हो चुका है, ठीक है ना, पी इंटू एल, यहाँ तक क्लियर है। सॉल्व करते हैं इसको, आर एन इंटू एक्स, अब देखो इसको इधर ले आओ, माइनस एफ टी इंटू ए इक्वल टू पी इंटू एल, फिर से सॉल्व करो इसको, आर एन इंटू एक्स, एफ टी को क्या लिख सकते हो, आर एन इंटू म्यू इंटू ए इक्वल टू पी इंटू एल, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, आर एन कॉमन ले लिया, तो आर एन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस म्यू इंटू ए इक्वल टू पी एल। तो यहाँ से अब आर एन फाइंड आउट करो, तो कितना हो जाएगा, पी एल अपॉन एक्स माइनस म्यू इंटू ए, ये आ गया आपका आर एन की वैल्यू, क्लियर है। चलिए अब किसके लिए, अब क्या निकालना है आपको, एफ टी निकालना है। तो एफ टी क्या होता है, आर एन इंटू, एफ टी क्या था, देखियो एफ टी यहाँ से भी लिखा था, आर एन इंटू म्यू,
ठीक, तो आर एन की वैल्यू आपके पास अब आ चुका है पी इंटू एल एक्स माइनस म्यू इंटू ए, इंटू में क्या लिख दो यहाँ पे म्यू, क्लियर है ये, ये आ चुका आपका एफ टी। अब क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क ये निकल रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, तो ब्रेकिंग टॉर्क यहाँ से बी टी फाइंड आउट करो, तो बी टी क्या होता है एफ टी इंटू आर, ठीक है, तो एफ टी की वैल्यू आ चुका है आपके पास पी एल म्यू अपॉन एक्स माइनस म्यू इंटू ए, और यहाँ पे क्या आ गया आर, यही है आपका ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है, और किसके लिए ये निकला एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है ना, फिर आपका मतलब कि कहने का मतलब आप कैसे घूम रहा है ये इस डायरेक्शन में, क्लियर है, तो ये हो गया आपका फॉर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब केस नंबर थ्री हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या है आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होगा अबव होगा इस ओ पॉइंट से, ठीक है ना, जो फलक्रम का ओ पॉइंट पे पिवोटेड है फिक्स्ड है उससे कितना डिस्टेंस है, ओ ऊपर है, तो अब जो आपका क्या होगा कि देखो पहले ऊपर था तो क्या हम लोग साइन कन्वेंशन क्या लेके चल रहे थे कि आपका इस डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो नीचे की ओर लेना है तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, अब इधर वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, इस साइड वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्लियर है, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, बाकी मोमेंट लेके जैसे हमने पीछे किया था सेम वही चीज़ है, ठीक, तो अभी किस डायरेक्शन में ये घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लियर है, तो ये अभी डायरेक्शन कौन सा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपका टेंजेंशियल फोर्स किधर होगा उधर होगा, ठीक है, तो वही चीज़ सेम चीज़ टेकिंग मोमेंट अबाउट, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ओ के अबाउट हम लोग क्या कर रहे हैं मोमेंट ले रहे हैं, तो देखो साइन कन्वेंशन क्या हो सकता है, क्या होगा पहले क्या लिख लो अपर वाला यानी आर एन इंटू एक्स, ठीक है, और पॉजिटिव कौन सा है इधर और कोई फोर्स है नहीं है, नीचे वाला है तो इक्वल टू लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पी इंटू एल, पी इंटू एल, देखो पी इंटू एल और क्या है इधर की ओर डायरेक्शन है तो नेगेटिव होगा, तो एफ टी इंटू कितना हो जाएगा एफ टी इंटू ए, क्लियर है, चलो सॉल्व कर दो इसको बस, तो हो गया आर एन इंटू एक्स, एफ टी वाले को इधर ले आओ क्योंकि एफ टी को क्या लिख सकते हो आप लोग आर एन इंटू म्यू, ठीक है, इक्वल टू पी म्यू इंटू ए, ये भी तो आएगा साथ में, इक्वल टू पी एल, तो यहाँ से आपका आर एन की वैल्यू आर एन कॉमन ले लो एक्स माइनस म्यू इंटू ए, क्लियर, इक्वल टू पी इंटू एल, तो आर एन की वैल्यू यहाँ से हो गया पी एल एक्स माइनस म्यू इंटू ए, ठीक, चलो एफ टी निकाल लो, एफ टी इक्वल टू क्या होता है आर एन इंटू म्यू, ठीक, आर एन की वैल्यू कितना निकाल के लेके आ गए पी इंटू एल एक्स माइनस म्यू इंटू ए इंटू म्यू, क्लियर है, तो ये आ गया आपका एफ टी, ठीक, ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क, ये सब तो रट गया होगा आप लोग को, ठीक है, कैसे निकालना है बी टी क्या हो गया आपका डायरेक्ट, चलो लिख देता हूँ बी टी क्या होता है एफ टी इंटू आर, ठीक, तो एफ टी कितना हो जाएगा यहाँ से, हाँ लिख लो एफ टी की वैल्यू ये निकल आया हो पी इंटू एल इंटू म्यू एक्स माइनस म्यू इंटू ए, ठीक है, पी एल म्यू इंटू में क्या आ गया आर, ये हो जाएगा ब्रेकिंग टॉर्क, क्लियर, किसके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, आसान हो गया, अब देखो निकालते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, हाँ हो गया होगा, चलिए मिटा दें इसको, अब बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
चलो तो ये हो गया क्लॉकवाइज था, तो अब क्या लिख दें हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो ये जो रोटेशन क्लॉकवाइज था अब कैसे घूमेगा, इस डायरेक्शन में। और जो एफ टी का डायरेक्शन अब किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो एफ टी यहाँ से क्या कर दो, मिटा दो, और एफ टी का अब जो डायरेक्शन है वो किधर है, इस साइड हो गया। क्लियर है, चलो इसको करते हैं। साइन कन्वेंशन तो वही रहेगा, चलिए देखते हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट ये सब आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, पॉज करके क्रॉस चेक कर लेना। टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ, ठीक है, तो ओ के अबाउट क्या करना है, हमें मोमेंट लेना है। तो डायरेक्शन देख लो क्या हो जाएगा, आर एन इंटू एक्स। अब देखो इस डायरेक्शन में अब है तो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना होगा। तो प्लस एफ टी इंटू ए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्या बच गया, टी इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से आर एन टू एक्स प्लस आर एन इंटू फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से आर एन इंटू म्यू ए पी इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से आर एन कॉमन ले लो, आर एन कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस म्यू इंटू ए इक्वल टू पी एल। यहाँ से आर एन कॉमन हो गया तो आर एन इक्वल टू निकाल लो, क्या आ जाएगा, पी एल इंटू एक्स प्लस म्यू इंटू ए। यहाँ तक ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आर एन आ गया, एफ टी, एफ टी कितना हो जाएगा, एफ टी आर एन इंटू, आर एन इंटू म्यू। और आप लोग को आर एन की वैल्यू पता है कितना है, पी एल म्यू भी लिख लो, पी एल एक्स प्लस म्यू इंटू ए। ठीक है, तो ये हो गया एफ टी। और फॉर एंटी यहाँ पे लिख लो ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क, तो ब्रेकिंग टॉर्क कितना हो जाएगा आपका, बी टी क्या हो जाएगा, एफ टी इंटू आर, डायरेक्ट लिख देता हूँ, पी एल म्यू एक्स प्लस म्यू ए, और क्या आ जाएगा यहाँ पे आर। ये हो गया ब्रेकिंग टॉर्क फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो सारा केस हम लोग क्या कर लिए, सिंपल शू ब्रेक का हम लोग क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए। ठीक है, तीन केस था, तीनों केस डिस्कस हो गया। ठीक है, अब देखो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा या फिर किसी भी टाइप का आपका डेरिवेशन निकालने के लिए कह दे कि कुछ बिलो है कुछ अबव है, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से मोमेंट लेकर आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम होता है इसका। ठीक है, तो चलो एक दो प्रॉब्लम भी दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, चलो इसको आप लोग केस 3 नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं इसका।